नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कल यानी कि 30 जुलाई को क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है, जो इस साल का क्राइटेरिया था, पासिंग क्राइटेरिया था सीबीएसई का, उस पर बच्चों का क्या कहना है, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आज बच्चों से पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ दीर्घा शर्मा से, जो कि अपने स्कूल में, जो अपने स्कूल मतलब जिस स्कूल में वो पढ़ती है, उस स्कूल में उन्होंने टॉप किया है, 94.2% इनके बने हैं, तो इनके जो व्यू है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दीर्घा, आप मुझे ये बताइए कि कैसा रहा आपका ये साल, जो पेंडेमिक वाला साल था वो कैसा रहा आपका? सर, पेंडेमिक चल रहा था जैसे सबको ही पता है, तो सर उसमें पढ़ाई में सर इफेक्ट तो पड़ा, बट सर फिर भी सेल्फ स्टडी और टीचर्स का गाइडेंस रहा, ऑनलाइन क्लासेस रही, तो सर ओवरऑल सही रहा। मतलब पढ़ाई भी चली थी अपने हिसाब से और टीचर्स ने बहुत गाइड किया, तो सर सही रहा। क्या टारगेट लेके चले थे वैसे आपकी, क्या परसेंटेज आपके बनने चाहिए? सर 95 तक तो था, बिकॉज 10th के बाद स्ट्रीम अपने से खुद से इंटरेस्ट से चूज की थी और स्टार्टिंग से ही पढ़ा था, मेहनत की थी, तो सर 95 तक था, बट ठीक है, आई एम ओके विद। चलिए आप मुझे ये बताइए कि जो सीबीएसई की जो अभी पॉलिसी थी, नई गाइडलाइन थी, जो पासिंग क्राइटेरिया था, जो आपको पता है कि 30 और 40 वाला जो क्राइटेरिया था, साथ ही साथ ही ये भी क्राइटेरिया था कि पिछले 3 साल का जो स्कूल का परफॉर्मेंस है उसका भी इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ना था, तो इस पॉलिसी को लेकर आपका क्या विचार है? सर पेंडेमिक उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, तो एग्जाम्स कंडक्ट करना तो पॉसिबल था ही नहीं, तो सर सीबीएसई ने जो भी रहा ऐसे 30-40%, तो सर ओवरऑल स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी पे था ये पूरा। मतलब आप हमेशा से 3 साल से कंसिस्टेंस हैं, 10th में 11th में 12th में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फिर आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस थी और भी आप करिकुलर एक्टिविटीज़ और सब में कैसा रहा, उस पर था सर, तो सही था, क्योंकि एग्जाम्स कंडक्ट करना तो पॉसिबल था नहीं, तो सर ठीक था। बस जो बच्चों को 10th के बाद जिनने स्ट्रीम्स अलग थे, मतलब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जिनकी स्ट्रीम्स अलग हो जाती हैं, सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग रहता है, वो सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं तो उनका कभी कभी बच्चों का इंटरेस्ट जिन सब्जेक्ट्स में रहता है उसमें वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तो सर उसके हिसाब से 10th का वेटेज लिया, तो हो सकता है कुछ बच्चों के परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ा होगा जो 10th तक में भी उस सीरियसनेस से नहीं पढ़ते थे, और देन 11th में, क्योंकि सर कॉलेजेस का एडमिशन भी 12th के परसेंट पे ही रहता है और फिर अपना करियर भी उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे रहता है, तो फिर बच्चे अलग सीरियसनेस से पढ़ते हैं, सिंसेरिटी से पढ़ते हैं, तो सर 10th का थोड़ा 30% लेना थोड़ा सा रहा, पर ओवरऑल ठीक था सर, क्योंकि 40% मैक्सिमम तो 12th प्री बोर्ड से लिया था, तो 12th में जिसने मेहनत की होगी उसका तो। लेकिन इसमें जो ये जानना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि जो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस, जैसे बोर्ड ने बोला है कि जो पिछले 3 साल गए हैं बच्चों के, यानी स्कूल का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल का, उसका इफेक्ट भी आपके आपके रिजल्ट पे पड़ा है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर वो तो सर सही नहीं था, बिकॉज स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है जो बैच पिछले 3 बैचेस रहे हो वो ही हमारा बैच भी हो, तो सर वो तो सही नहीं था सर, कि आप स्कूल के रिजल्ट पे आप एवरेज लेके फिर इस साल का रिजल्ट भी रखें, क्योंकि सर वो तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, अब जो जैसा पढ़ता है फिर उसका इससे रिलेशन दूसरे बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए था। चलिए ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आने वाला जो बैच है, यानी कि आपके जो जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, मैसेज तो यही दूंगी सर कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो, मिड टर्म हो, चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, वो सब पूरी सिंसेरिटी से दें, क्योंकि सर किसी का भी मार्क्स पे का एवरेज लेके कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप से अभी हुआ प्री बोर्ड पे, तो सर कुछ बच्चों ने जैसे बोला था कि फाइनल में देखेंगे प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड है, तो ऐसे कुछ भी ना करें आप, प्लीज़ हर एग्जाम में सीरियसनेस से ही पढ़ें
और पूरा थ्रू आउट द ईयर आप फर्स्ट डे से ही सिंसेरिटी दिखाएं अपने स्टडीज में, तो ही आपका एंड में सही रिजल्ट हो पाएगा। और वैसे भी सर अभी इस ईयर तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो सर आपको वो तो बच्चों को करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से ही सिंसेर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके विचार हमें अच्छे लगे और आपको आपका जो आपने टॉप किया अपने स्कूल में इसके लिए बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओजस्विनी सिंह से, जिन्होंने की 87.8% बनाए थे, पीसीएम स्ट्रीम की स्टूडेंट है। बात करते हैं हम ओजस्विनी से। ओजस्विनी, यस सर। हेलो सर। हेलो, कांग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले तो कि आपने बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए हैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे ये बताइए कि आपने क्या टारगेट लेके इस साल चले थे कि मुझे इतना परसेंटेज बनाना चाहिए, और वो क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पाए क्या? यस सर, मेरा टारगेट था कि मुझे 86-87% जो कि अच्छे माने जाते हैं, मुझे इतने अचीव करने हैं, और फॉर्चुनेटली मुझे स्कूल से भी उतने ही परसेंट मिले, तो मैं संतुष्ट हूँ। आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो? यस सर, मैं संतुष्ट हूँ। चलिए मुझे ये बताइए कि जैसे आपको पता है कि इस साल जो रिजल्ट है वो स्कूल ने ही बनाया है, आपके ही टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उन्हीं टीचर ने आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी हुई है? आपको अगर स्कूल रिजल्ट नहीं बनाता तो शायद आपके ज्यादा नंबर आ जाते, कुछ ऐसा आपको लगता है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है या फिर किसी और स्टूडेंट के साथ पार्शियलिटी हुई है। स्कूल ने जो भी मार्क्स दिए हैं वो सब हमारे पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स कंसिडर करके ही दिए हैं, तो मुझे लगता है कि स्कूल ने जो भी मार्क्स दिए हैं वो एकदम सही हैं, और अगर मैं एग्ज़ाम ऐसे भी देती तो मेरे इतने ही करीब इतने ही मार्क्स आते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर क्या है, बच्चे टीचर्स के ऊपर या अपने स्कूल के ऊपर ऐसे ब्लेम करते हैं कि मुझे शायद पार्शियलिटी के कारण उस बच्चे को ज़्यादा नंबर दे दिए, मुझे कम दिए, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि आपको तो ऐसा नहीं लगता है ना? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बाकी बच्चों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी टीचर ने या स्कूल ने मेरे साथ पार्शियलिटी की है। ओके, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आने वाले जो बैच है आपका, यानी कि जो इस साल 12th क्लास में है आपके जूनियर्स, उनके लिए आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, जो आने वाला बैच है 12th का, मैं उन बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि जो अपना टारगेट है 12th बोर्ड्स का सिलेबस जो है वो अपन को मतलब उन लोगों को स्टार्टिंग से शेड्यूल करके चलना चाहिए कि मुझे इतने टाइम के अंदर इतने चैप्टर्स या इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तभी जाके उन्हें मतलब लास्ट में वो जो भी परसेंटेज चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इस साल तो इतनी अनसर्टेनिटी थी कि बच्चों ने मतलब शुरू में ध्यान दिया नहीं और लास्ट तक, जिसके कारण बच्चों के मतलब उनपे उनका रिजल्ट कुछ बच्चों का हुआ भी है, बट मैं यही उनसे कहना चाहूँगी कि बस उन्हें जैसे कि इस साल CBSE ने दो बार एग्ज़ाम लेने का फैसला किया है, तो उन्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलना चाहिए और अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। चलिए इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने सुना होगा अभी कि इस साल से CBSE ने जो एग्ज़ाम है वो दो टर्म में कर दिया है, यानी हाफ टर्म वन एंड टर्म टू, दोनों में कोर्स को भी उन्होंने आधा आधा कर दिया है, तो इससे बच्चों का बर्डन ऑलरेडी कम हो गया है जैसे आप जानते हैं, तो क्या आपके टाइम ऐसा होता तो आप और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते? हाँ सर, मुझे तो लगता है कि अगर मेरे टाइम ऐसा होता तो जितना प्रेशर लास्ट में बच्चों पे पड़ा था जब एग्ज़ाम होने वाले थे, बच्चों को पता नहीं था कि कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर ऐसा पहले हुआ होता तो बच्चों पे थोड़ा कम प्रेशर पड़ता, तो मेरे हिसाब से तो CBSE ने ये सही किया है, इससे आगे भी मतलब बच्चे स्टार्टिंग से एकदम ध्यान दे के पढ़ेंगे और उन्हें एकदम लास्ट में ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि मुझे पूरा ही मतलब पूरा सिलेबस एक ही बार में मुझे एग्ज़ाम देना है पूरे सिलेबस का। चलिए मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे जो CBSE ने इस साल जो क्राइटेरिया रखा था पासिंग क्राइटेरिया, जैसे 30-30-40 इस टाइप का जो क्राइटेरिया रखा, उस क्राइटेरिया से आप संतुष्ट हैं?
हाँ सर, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ क्योंकि जो 10th में 11th में बच्चों के परफॉर्मेंस है तो वो कहीं ना कहीं उनके 12th के मार्क्स भी उसी से अफेक्ट होते अगर नॉर्मल कंडीशन में भी एग्ज़ाम होते। तो मैं तो संतुष्ट हूँ कि CBSE ने इतना अच्छा क्राइटेरिया रखा कि उन्हें पास्ट उनके जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे मार्क्स दिए बच्चों को, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके विचार जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको फिर से एक बार और कांग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो चलिए अब हम मिलते हैं नवीन यादव से, जिन्होंने 87.4% बनाए हैं और ये PCM के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नवीन से। तो नवीन, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। क्या रहा आपका इस साल, कैसा रहा पूरा साल और किस तरह से आपने पढ़ाई की अपनी? सर, पढ़ाई तो सब अब पूरी ऑनलाइन ही हुई थी, तो ज्यादा मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, घर पे ही पढ़ते थे। अच्छा, और ज्यादातर फोन से ही काम होता था पूरा। तो फोन से आप पढ़ते थे ना, और कुछ तो नहीं करते? यस सर, पढ़ते ही था। पढ़ते थे। और क्या टारगेट था इस साल आपका कि इतना मुझे अचीव करना है, और क्या उसे अचीव कर पाए आप? सर, अचीव तो नहीं सर, मतलब 90% का मेरा टारगेट था। ओके, और 90% और थोड़े कम ही बने हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने पिछले 2 साल से करीबन या 1 साल तो पूरा हो ही गया कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन जो स्टडी होती है और जो ऑफलाइन स्टडी जो अभी तक आप नर्सरी से अभी तक करते आ रहे थे, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा, कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगी? सर, मेरे हिसाब से तो सर ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें मतलब अपन टीचर से सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं और मतलब जितने भी डाउट्स हैं। अब जैसे ऑनलाइन में तो ये भी होता है कि कभी कभार नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब पढ़ाई अपनी रह जाती है, इसलिए सर ऑफलाइन ज्यादा सही लगती है। और ये CBSE का जो इस साल का क्राइटेरिया था, पासिंग क्राइटेरिया था, जिसमें कि उन्होंने 30, 30 और 40% लिया था, और साथ ही उन्होंने पिछले 3 साल का जो बैच है, पिछले 3 साल के जो स्टूडेंट थे उनका परफॉर्मेंस भी इसमें ऐड किया था, तो वो आपको कहाँ तक ठीक लगता है? सर, इतना ज़्यादा तो सही नहीं लगता, क्योंकि मतलब कोई ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जो मतलब पहले पढ़ने में थोड़े वीक होंगे, लेकिन अभी उनने बहुत मेहनत की होगी, तो उनके लिए तो सर थोड़ा सा वो मतलब ये एक माइनस फैक्टर ही हुआ। अच्छा, अगर मतलब ये 3 साल वाला क्राइटेरिया नहीं होता तो शायद आपको लगता कि आपके ज़्यादा अच्छे परसेंटेज बन सकते थे, ऐसा कुछ? यस सर, मतलब थोड़ी सी उम्मीद तो थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने अच्छे परसेंटेज बनाए, ये भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि पेंडेमिक में बेसिक बच्चों की पढ़ाई हुई नहीं है, तो इतने भी बहुत है। लेकिन क्या आपको क्या आप ये सोच रहे हैं कि फिर से आप एग्जाम देंगे, क्योंकि अब बोर्ड ने से बोला कि जो भी लोग अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो एग्जाम दे सकते हैं, तो क्या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं? सर, मतलब ऐसे मतलब सोचा तो है अभी, मतलब देखते हैं कि अगर हो सका तो दे देंगे। चलिए ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो चलिए अब हम बात करते हैं संदीप मीना से, जिन्होंने कि 88.8% बनाए हैं और इनका जो स्ट्रीम था वो था ह्यूमैनिटीज, तो इनसे जानते हैं इनके व्यू। संदीप, मुझे ये बताइए कि आपका इस साल क्या टारगेट था और वो क्या अचीव कर पाए आप? जी सर, मेरा टारगेट 85 प्लस था, जो कि मैंने अचीव कर लिया है, क्योंकि मेरी 88.8% बनी है। अच्छा, तो मतलब जो आपने सोचा था वैसा हो गया। yes, आप मुझे बताइए कि जो पेंडेमिक था इस साल, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं कि पेंडेमिक की वजह से आपके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? जी सर, अफेक्ट तो पड़ा है, हालांकि जो मैंने सोचा था वो गोल मैंने अचीव कर लिया है, मगर सर इसमें रियल पोटेंशियल अब सामने नहीं आ पाया है मेरा, जो एग्जाम हॉल में प्रेशर बनता वो सामने नहीं आ पाया। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप फिजिकल मतलब एग्जाम देते, मतलब किसी स्कूल में जाकर आप एग्जाम देते, तो आप अभी जो परसेंटेज बने हैं उससे अच्छे परसेंट बना पाते? जी सर, इससे सही परसेंट बना सकता था मैं। तो ऐसी क्या वजह कि आप घर पे बैठ के नहीं बना पाए और अगर एग्जाम होता तो आप बना पाते, ऐसा क्यों? सर, ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है अपने ऊपर, उसमें मुझे लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकते हैं हम। अच्छा, आपको पहले से अगर पता होता कि हमारे स्कूल से अलग कहीं पर सेंटर आएगा तो आप उस और ज्यादा पढ़ाई करती है? जी जी सर, बिल्कुल, और अच्छे से पढ़ाई करता मैं, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया था तो फिर उसी हिसाब से पढ़ाई हुई है। अच्छा अच्छा जी। चलिए मुझे ये बताइए कि आप अपने आने वाले जो बैच है, जो इस साल 12th में आया है, उसके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा?
सर मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम ही होने चाहिए और बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद आपका और कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।